फंसा है। परमात्मा मूसा और हारून का फिरौन के पास में यह कहा के लाने भेजिन कि इसराइली का जाए दे उन्हीं चेता दें कि यदि उन्हीं न जाए दे तो परमात्मा मिस्र के मनई जानवरन के सब पहलौठा का मार दे ही। फिरौन यह बात का सुन के भी परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करीस और बात माने से मना कर दईस। परमात्मा ओखे ऊपर विश्वास करा वाले के पहला उठन का बचामा के लाने एक ठे उपाय करिन कि हर परिवार का एक ठे निष्कलंक मेमना लेके वाखर वध करे का पड़ी। परमात्मा इसराइलिन से व मेमना के खून का लेके अपने घर के चौखट में लगाए का कहिन। उन्हीं ओखे मांस का भूंजे के रहुहा और फिर उन्हीं अखमीरी रोटी के साथ में खाए कर रहुहा। उन्हीं व खाना खाए के बाद उन्हीं मिस्र तत्काल छोड़े का भी तैयार रहे का कहीं। ऐसा करे के लाने परमात्मा आज्ञा देन उ सब ओखे कहती सब कुछ करिन। आधी रात में परमात्मा हर एक बड़ा बेटवा का घात करत मिस्र के बीच से गुजरिन। इसराइलिन के हर घर के चौखट में खून लगो रहुहा। एहिन से परमात्मा उघरन का छोड़ देन उनके भीतर के सब मनई सुरक्षित रहे हैं। ऊ मेमना के लहू के वजह से बच गए पर मिस्री परमात्मा पर विश्वास नहीं करिन और ओखे आज्ञा का नहीं मानिन। एके वजह से परमात्मा उनके घरन का नहीं छोड़िन। परमात्मा मिस्रिन के हर एक थे पहलौठा बेटबन का मार दें। जेल के कैदिन के पहलौठा से लेके फिरौन के पहलौठा तक हर एक थे पहलौठा बेटबा मर गए। अपन भारी तकलीफ के वजह से मिस्र के खूब मनई रोत रहे हैं और बिलाप करत रहे हैं। वह रात फिरौन मूसा और हारून का बुलाइस और इसराइलिन का लेके तुरते मिस्र से भाग जाए के निवेदन करीस। निर्गमन अध्याय 11 पद 1 अध्याय 12 पद 32 से बाइबल की एक कहानी।